हे गाइस, वेलकम एंड स्वागत करते हैं आपका माइनक्राफ्ट के वन ब्लॉक चैलेंज के अंदर। इस गेम प्ले में हम खेलने जा रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ, जो कि एनिलेटर और डिलेट कार्गो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो डिलेट कार्गो है वो मेरा भाई है और छोटा भाई चाचा का लड़का है। ठीक है, ओके, इतनी रिश्तेदारी क्या करनी है निभा कर। और ये जो एनिलेटर भैया हैं, हेलो यहाँ पर बोल रहे हैं लिख कर, इनसे मैं कह रहा हूँ कि भाई, अच्छा कह ही देता हूँ एक बार, मैं मुझे देख कर कह, ठीक है कर। तो अब शायद आ जाए वो, शायद उसको पता ही नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हाय गाइस, ये मेरा दोस्त है कुशाग्र सोनी। तो हम तीनों मिलकर यहाँ पर ये खेल रहे थे और यहाँ पर हमने बहुत सारे कारनामे किए। तो वो कारनामे तो खैर अपनी अपनी बात है। तो हमारे जो एनिलेटर भैया हैं, जो हमारे कुशाग्र भैया हैं, उन्होंने ये जो इंटीरियर है हमारे घर का कुछ इस टाइप से सजा रखा है, जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बीच में है वहाँ पर मैं कुछ और बनाने सोच रहा हूँ। और देखते हैं, चलिए क्या करते हैं। इसके बाद हमको एक काम है कि जो हमारा जो बेस है, बार बार यहाँ पर क्रीपर और दुनिया भर के मॉब्स वगैरह स्पॉन हो रहे हैं, जिसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो रूम है, ऑब्सिडियन तो खैर बहुत सारा है मेरे पास, और नहीं भी है तो हम नेदर से लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो पूरा रूम है इसको मैं ऑब्सिडियन से बना दूँ। तो पहले मैं बेस तो बना लेता हूँ, उसके बाद रूम बनाने की सोचेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी टॉर्च लगा देते हैं ताकि रोशनी भरपूर हो। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ डर्ट नीचे ना गिरे। ओ भाई, नीचे चली गई डर्ट की, भाई बहुत कमी है इस समय फिलहाल की कंडीशन मेरे पास। चलिए छोड़ते हैं। और अरे यार, मेरे पास शायद पिकैक्स नहीं है, चलो मैं अपने भाई से मांग लेता हूँ। ओ भाई, थोड़ी पिकैक्स दे देना यार, देगा कि नहीं। अरे ये तो सीधा चला गया, लगता है मुझे बनानी ही पड़ेगी। चलिए छोड़ते हैं, बनाते हैं भाई, अपनी किस्मत ही खतरनाक है। चलो बना ली है हमने, चलो ओके, अच्छी बात है, हमारे पास सारी चीज़ें थी। तो हमने हमारे यहाँ पर पिकैक्स ले ली है और पिकैक्स, चलिए यहाँ पर पहले एक काम कर लेते हैं, जितना भी हमारे पास ऑब्सिडियन है वो सारे ऑब्सिडियन से हम एक बेस बना लेते हैं। इसके नीचे रह गया एक, इसको तोड़ते हैं, उसके नीचे ऑब्सिडियन लगा देते हैं। ओके ठीक है, परफेक्ट। तो हमने जो रूम है लगभग, उसका बेस लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा, 5 ऑब्सिडियन और हैं। तो ये जो बेस है हमने इसका कंप्लीट कर लिया है फुल ऑब्सिडियन से। और ये जो रूम है इसको हम थोड़ा एक ब्लॉक और बढ़ाकर इसका पूरा रूम एक बेहतरीन सा रूम बना लेंगे। अब कब बनाएंगे देखेंगे, वो तो बना ही लेंगे। अब भाई जब स्टार्ट कर दिया हमने ये काम तो अब हम कर ही लेंगे। तो पहले ये सारे ऑब्सिडियन जितने भी मेरे पास बचे हैं सारे सबको लगा देता हूँ, 1 2 3। और यहाँ से एक ब्लॉक हम उठा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो क्रीपर होंगे, जो गास्ट है, वो यहाँ से उड़ नहीं पाएगी और मतलब हमारा जो काम स्मूथली रन होता रहेगा। तो फिलहाल में अभी मेरे पास ऑब्सिडियन जो थे इतने ही थे, तो अब इसके आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो अब ये जो काम है वो हम बात के लिए छोड़ देते हैं। खैर इतना भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, क्योंकि अब हम इसको ज़्यादा खोद भी नहीं रहे हैं। अब हमारा बस मेन काम यही रह गया है कि हम बस अपने बेस को बढ़ा रहे हैं ऐसे एनी हाउ। तो अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक फ़िश टैंक बनवाएं। तो फ़िश टैंक तो हाई हालांकि सबको ही आता होगा बनाना, और इसको कोई तोप भी नहीं इसको बनाना, क्योंकि मेरे पास जो मैंने जो माइनिंग करी थी वन ब्लॉक की, तो उसमें मुझे काफ़ी चेस्ट में मुझे कॉर्ड मिली है, मतलब कॉर्ड विद अपनी वाटर बकेट, जिनको पता होगा तो पता ही होगा। तो वो सबका हमको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। अगर उनको हम यूज़ कर लेते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि हमको बकेट्स मिल जाएगी कम से कम 16-17, हाँ काफ़ी बकेट्स मिल जाएंगी हमको, एम्प्टी बकेट्स, जो कि हमारे काम की है, और जो हमारे फिशेस हैं वो भी बर्बाद नहीं होंगी। तो फिश एक्वेरियम बना लेते हैं और अपना काम जो है ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी बोरिंग रहेगा, इसलिए जो काम है वो मैं अभी कर लूँगा हालाँकि, लेकिन पहले जो मेन काम है वो आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने सील एंट्रेंस जो है बनवा रखी है, तो मैं सील एंट्रेंस को इस टाइप से लगाने वाला हूँ, 1 और अच्छा लगेगा क्या, हाँ चलो ऊपर से भी लगा देते हैं, मतलब एक पूरी लाइन लगा देते हैं बीचम बीच, और फिर उसके आजू बाजू जो है फिश दिखेंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है मेरे हिसाब से। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, ये सबको हटा देते हैं और यहाँ पर ये ब्लॉक लगा देते हैं। चलिए ये सब तो मैं करता रहूँगा सारे काम, और ये सब मैं करके आपसे मिलता हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं हम हमारे पूरे कंप्लीट फ़िश टैंक के साथ, जिसमें जो पफर फिश है उन पफर फिश ने मिलकर मेरे सारी जितनी भी बाकी फ़िशेस थी सबको मार डाला। बहुत ही बुरा लगा मुझे, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं अब अपनी ज़िंदगी में, तो अब जो है वो यही है, अब तो भाई क्या ही कर सकते हैं। और बाकी जितने भी मेरे दोस्त लोग थे वो भी सारे चले गए, तो अब मैं जो है अकेला रह गया हूँ। और फ़िश टैंक को जिस टाइप से दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छा ही दिख रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर
वॉचिंग।